हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो बच्चा, हम लोग नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। इट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इन द प्रीवियस वीडियो वी नो अबाउट द थॉर्न फॉरेस्ट एंड सब्स। अभी तक हमने तीन तरह की वेजिटेशन को पढ़ लिया है, थ्री टाइप्स के हमने फॉरेस्ट को पढ़ लिया है। फर्स्ट हमने देखा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड हमने देखा था ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, एंड थर्ड हमने देखा था थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। अभी जो हमें पढ़ना है, इट इज मॉन्टेने फॉरेस्ट। सो दिस इज अवर टूडेज टॉपिक, इट इज मॉन्टेने फॉरेस्ट। मॉन्टेने इट मीन्स जो माउंटेन पर पाई जाने वाली वेजिटेशन है वो किस तरह की होती है, कैसे वो वेरीज करती है, बस वही हमें इस वीडियो में देखना है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज अ वेजिटेशन फाउंड इन द माउंटेनियस एरिया, उसी को हम माउंटेने फॉरेस्ट कहते हैं। जो माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है ना, बस उसी को बोलते हैं हम माउंटेने फॉरेस्ट। यहां पर माउंटेन में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम इंक्रीज ऊपर की तरफ चलते चले आते हैं, एल्टीट्यूड पर जैसे जैसे जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। इसका मतलब कि जितने हम एल्टीट्यूड के ऊपर चलते चले जाएंगे उतना ही टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, और जब टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, तो उसका इफेक्ट किस पर आएगा, वेजिटेशन पर। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा वैसे वैसे जो वेजिटेशन है वो भी चेंज होती चली जाएगी। कैसे चेंज होती चली जाएगी, जैसे ये क्या है, ये माउंटेन है, तो माउंटेन में यहां पर जो वेजिटेशन होगी वो कुछ और तरह की होगी। जब हम यहां पर आएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, तो यहां पर कुछ और होगी, यहां की जो वेजिटेशन है कुछ और होगी, और यहां पर जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट होगी। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, और वैसे वैसे ही जो वेजिटेशन है वो भी डिफरेंट होती चली जाएगी। सो डिक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, कि हाइट इंक्रीज हुई और टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन, कैसे, वही तो बताया अभी कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ गए तो टेम्परेचर डाउन हुआ, और टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ ही जो वेजिटेशन है वो भी चेंज होती चली जाएगी। कि यहां पर बहुत ज्यादा क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा स्नो है, बहुत ज्यादा बर्फ है, तो यहां की जो वेजिटेशन होगी वो कुछ और टाइप की होगी। यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, यहां पर टेम्परेट, ये क्या है, यहां पर टेम्परेट क्लाइमेट है, तो यहां पर वेजिटेशन कुछ और होगी। और हम बात करें टोरिड की, तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो उसी तरह से जैसे टोरिड जोन में, टेम्परेट जोन में और फ्रिड जोन में अलग अलग तरह की जो वेजिटेशन होती है, वैसे हम इसको देख लें कि जो माउंटेन है, कि जैसे जैसे हम माउंटेन में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे चेंजेस होते चले जाएंगे वेजिटेशन में। सो द चेंज इज सेम एज इन द सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द टूंड्रा रीजन। ट्रॉपिकल टू द टूंड्रा रीजन, क्या बताया है कि ट्रॉपिकल से लेकर और टूंड्रा रीजन तक जो वेजिटेशन है वो चेंज हो जाती है। कैसे, ये देखिए, ये इक्वेटर एंड इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये है ट्रॉपिकल, है ना, ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन। तो यहां पर जो वेजिटेशन होगी कौन सी होगी, यहां पर जो वेजिटेशन होगी वो अलग टाइप की होगी। यहां पर सबसे ज्यादा सनरेज आ रही है, यहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम हाइट पर चढ़ते जाएंगे, यहां पर ये क्या है, ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, टेम्परेट।
ये है टेम्परेट रीजन। तो यहां पर क्या है, यहां पर ना तो यहां पर टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, टेम्परेट होता है, मॉडरेट होता है। तो यहां की जो वेजिटेशन होगी वो अलग होगी। और वहीं पर हम बात करें जो फ्रिट जोन है, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमेशा क्या होगी, बर्फबारी होगी, यहां पर हमेशा बहुत ज्यादा ठंड होगी। तो यहां पर जो वेजिटेशन होगी वो बिल्कुल अलग टाइप की होगी। वही बोला ना, सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द टूंड्रा, ट्रॉपिकल टू द टूंड्रा, ये ट्रॉपिकल और ये जो है फ्रिट जोन, यहां पर टूंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है, टूंड्रा रीजन है। तो यहां से लेकर और यहां तक जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो वेजिटेशन है वो भी चेंज होती जाएगी। चलिए, सो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज ग्रुप। तो क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट, कौन सी हाइट, ये वाली हाइट, अकॉर्डिंग टू द हाइट द वेजिटेशन डिवाइडेड इनटू दीज ग्रुप, इन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, किसको, वेजिटेशन को। कैसे, तो जो 1000 से लेकर 2000 की हाइट पर है, जैसे ये क्या है, माउंटेन हो गया, तो माउंटेन में यहां से लेकर और यहां पर सपोज कीजिए कि 1000 से लेकर और 2000 के बीच वाली जो वेजिटेशन है, यहां पर कैसी वेजिटेशन होगी, वेट टेम्परेट। तो यहां पर जो होगी वो होगी वेट टेम्परेट। और वहीं पर कहा है जो 1500 से लेकर और 3000 के बीच वाली यहां की जो वेजिटेशन होगी वो होगी टेम्परेट फॉरेस्ट। यहां पर वेट टेम्परेट और यहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाएंगे। कितनी हाइट पर, 1500 टू 3000 मीटर। और वहीं पर अगर हम बात करें 3600 मीटर अबाव, उससे ऊपर, यहां से ऊपर की जो वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाएगी। एल्पाइन का मतलब कि वहां पर बहुत छोटी छोटी या फिर कहें कि घास के मैदान, ग्रासलैंड पाए जाएंगे। तो ये जो डिवीजन है इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे अच्छे से और अच्छे से जानेंगे कि वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की कैरेक्टराइस्टिक क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट की क्या है, एल्पाइन की क्या है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, क्या, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन 1000 टू 2000 मीटर, 1 से लेकर 2000 की हाइट पर मिलते हैं, एंड एवरग्रीन ब्रॉडलीफ लाइक ऑक एंड चेस्टनट आर फाउंड। कैसे, ब्रॉडलीफ, चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाले यहां पर पेड़ पाए जाते हैं, और स्पेशली क्या, ऑक एंड चेस्टनट आर फाउंड। देखो मैंने यहां पर ऑक चेस्टनट दिखाया ना पिक्चर में, वो देखिए ये किसके हैं, ये एवरग्रीन ब्रॉडलीफ लाइक ऑक एंड चेस्टनट के प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एंड फाउंड ऑन लो हील ऑफ शिवालिक। लो हील ऑफ शिवालिक कहां पर, रेंज ऑफ हिमालय पढ़ी थी, है ना, रेंज ऑफ हिमालय पढ़ी थी, कौन कौन सी रेंज ऑफ हिमालय थी, ये आपका टूडेज होमवर्क, वो मुझे आप 3 रेंज ऑफ हिमालयाज बताएं कि सबसे जो आउटर है वो कौन सी है, मेडल कौन सी है और इनर कौन सी है। तो यहां पर क्या कहा है, फाउंड इन लो हिल ऑफ शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो यहां पर शिवालिक के लो हिल्स पर, शिवालिक के लो हिल्स पर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वहीं पर हम बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट की, सो फाउंड इन बिटवीन 1500 टू 3000 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं, एंड ट्री सच एज पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्पूज एंड कैडर विच आर कैनिफीरियस आर फाउंड हेयर। कैनिफीरियस, ये वाले जो नाम बताए हैं, इस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, ये वेजिटेशन पाई जाती है, एंड कैनिफीरियस, कैनिफीरियस क्यों, कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि स्नोफॉल होता है,
तो स्नोफॉल होगा। तो अगर लीव्स इस तरह से होंगी, है ना, अगर लीव्स इस तरह से होंगी कि ये, अगर लीव्स ऐसे होंगी तो क्या होगा कि जो स्नोफॉल हो रहा है वो यहीं पर जमा हो जाएगा, यहीं पर कलेक्ट हो जाएगा। और यहां पर क्या 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 कहा है कि विच आर कैनिफीरियस आर फाउंड, कैनिफीरियस इस तरह के, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, जो इस तरह के जो कोन बनाया हुआ, किस लिए, ये क्यों, कैनिफीरियस क्यों, अभी कहा था ना प्रीवियस वीडियो में कहा था ना कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो अपने आप को अडेप्ट करा लेती है, अपने आप को ढा लेती है। तो यहां पर अगर बर्फ गिरेगी, स्नोफॉल होगा, तो क्या होगा, स्नोफॉल नीचे आ जाएगा, वो पेड़ों के ऊपर जमा नहीं होगा, नीचे आ जाएगा ऐसे, है ना। तो इसीलिए वहां पर कैनिफीरियस ट्रीज पाए जाते हैं। एंड सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज हाइट एल्टीट्यूड ऑफ साउथ, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज, जो हिमालयाज के सदर्न स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, हाई एल्टीट्यूड ऑफ साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हैव दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन, इस तरह की जो वेजिटेशन है वो सदर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज यहां पर, एंड हाई एल्टीट्यूड ऑफ साउथ एंड इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहां पर ये वेजिटेशन पाई जाती है। तो जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है और टेम्परेट फॉरेस्ट है वो क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं रहने चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, सब सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं क्या अल्पाइन वेजिटेशन, ये कौन सी वेजिटेशन है, इसको और देख लेते हैं। हम देखते हैं अल्पाइन वेजिटेशन, अल्पाइन वेजिटेशन किस तरह के फॉरेस्ट हैं। इट इज फाउंड ऑन 3600 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर इस तरह के अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। अब अल्पाइन वेजिटेशन किस तरह की है, बोथ टेम्परेट वेजिटेशन एंड ग्रासलैंड मेक अप द अल्पाइन वेजिटेशन, मतलब क्या है कि जो अल्पाइन वेजिटेशन है वहां पर टेम्परेट वेजिटेशन, टेम्परेट वेजिटेशन का मतलब है कि कुछ जैसे ये माउंटेन हो गया और यहाँ पर कुछ पेड़ पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं एंड ग्रासलैंड और ग्रास, तो ये दोनों चीज कि कहीं कहीं पर पेड़ हैं, टेम्परेट वेजिटेशन है और कहीं पर ग्रासलैंड है, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, अल्पाइन वेजिटेशन। एंड द सिल्वर फर, जेनिफर, पाइन एंड बर्चेस आर द कॉमन ट्रीज विच फाउंड इन द अल्पाइन वेजिटेशन, तो ये देखिए सिल्वर फर, जेनिफर, पाइन एंड बर्चेस आर सम ट्रीज, ये कुछ ट्रीज की पिक्चर्स मैंने दिखाई हैं, ये पिक्चर देखिए आप इसमें कि ये कुछ ट्रीज हैं जो अल्पाइन वेजिटेशन पर पाए जाते हैं। एंड दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंट नियर स्नो लाइन, यहाँ पर स्नो लाइन पर पहुँचते पहुँचते, यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती ना, तो स्नो लाइन तक पहुँचते पहुँचते, अब स्नो लाइन क्या है, थ्रो श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू अल्पाइन वेजिटेशन, तो ये वाली जो अल्पाइन वेजिटेशन है जब इसमें बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्टंट नियर स्नो लाइन। दीज ग्रास लैंड आर यूज बाय गुज्जर एंड बकरवाल फॉर ग्रेजिंग, तो हिस्ट्री में पढ़े थे ना गुज्जर और बकरवाल जो ट्राइब्स थी वो यहाँ पर क्या करती हैं, अपने जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग कराती हैं, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो लाइन है, बर्फ हमेशा पड़ी रहती है, कि सर्दियों में ये बिल्कुल स्नो कैप होती है, बर्फ में ढके रहते हैं, और जब समर आई, गर्मी आई तो वो मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद क्या हुआ, उसके नीचे जो दबी हुई घास थी, ग्रास थी, वो निकल आई, तो यहाँ पर ये जो गुज्जर और बकरवाल हैं वो अपने एनिमल्स को यहाँ पर ग्रेजिंग के लिए लेकर जाती हैं, वो नीचे से जब यहाँ पर मेल्ट हो गई स्नो तो यहाँ से नीचे से वो ऊपर पहुँच गए और यहाँ पर वो अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग कराने लगे। एंड एट हायर एल्टीट्यूड, और बिल्कुल हायर एल्टीट्यूड पर पहुँच जाएँ जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर भी बर्फ के ऊपर भी कुछ वेजिटेशन पाई जाती हैं, वहाँ पर बस स्पेशली क्या, मॉसिस और लिचन, ये देखो मॉसिस और लिचन,
ये पिक्चर में मैंने दिखाया है आपको मोसिस और लिचन की कुछ पिक्चर से, ये देखिए इस तरह की लिचन और मोसिस पाई जाती हैं। तो ये मोसिस और लिचन फॉर्म द टूंड्रा वेजिटेशन, और जो मोसिस और लिचन है वो यहाँ पर टूंड्रा वेजिटेशन को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये जो अल्पाइन वेजिटेशन है और जो मॉन्टेनो फॉरेस्ट हैं वो कैसे कैटेगराइज किए गए हैं और कैसे कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के वेजिटेशन पाई जाती है, दीज ऑल आर क्लियर। अब हम बात करते हैं एनिमल्स विच फाउंड इन द मॉन्टेनो फॉरेस्ट। अब हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जो मॉन्टेनो फॉरेस्ट पर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं? कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शेप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटेलॉप, याक, स्नो लेपर्ड, सेगी, आईबैक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, शिप एंड गोट्स विद थिक हेयर। तो स्नो लेपर्ड, देखो ये कहा ना स्नो लेपर्ड, अगर हम कॉमन लेपर्ड को यहाँ पर छोड़ दें तो वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन जो स्नो लेपर्ड है वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को क्या कर लिया है, वहाँ की जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है। वैसे ही जो गॉड और शिव हैं, जो कॉमन गॉड और शिव हैं, अगर उनको वहाँ पर छोड़ दिया जाए टूंड्रा वेजिटेशन पर तो दे कैन नॉट सर्वाइव, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। लेकिन वो सर्वाइव कर पा रहे हैं कौन सी? जिनके पास थिक हेयर हैं। तो क्योंकि उनके पास थिक हेयर हैं और थिक हेयर हैं तो इसीलिए वो शिप और गोट उस तरह की वेजिटेशन में, उस तरह के टेम्परेचर में, उस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो आई होप मॉन्टेनो फॉरेस्ट इज क्लियर। जो मॉन्टेनो फॉरेस्ट है वहां पर कोई डाउट नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, एंड अवर टॉपिक विल बी क्या होने वाला है? अवर टॉपिक विल बी मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड इट इज द लास्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस टॉपिक। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।